Hey my loves, welcome back to my channel. So finally, I'm going to share today Thailand/Bangkok haul. Last time I went to Thailand and it was Phuket and Krabi trip. I shopped a lot from there but I couldn't make a haul because after coming, Pooja month started and you guys know how it is in Kolkata. But this time I again shopped a lot and I'm going to share a huge haul with prices and I have a bonus. Like in this video, I'm going to share my 3 days itinerary like for Bangkok. So मैं हॉल शेयर करूंगी, उसके बाद में लास्ट में वीडियो के एंड पे शेयर करूंगी कि कितना कहां पे मेरा खर्चा हुआ है। तो बैंकॉक में ना क्राबी एंड फुकेट से भी सस्ता मिलेगा बहुत सारा चीजें, लाइक स्ट्रीट शॉप से आपको मिल जाएगा बहुत सस्ता। एंड जो चीज फुकेट पे एंड बैंकॉक पे भी है वो है आउटलेट मॉल्स। दोनों जगह पे ही ना 20 से लेके 80% तक का डिस्काउंट मिलता है लग्जरी ब्रांड्स पे। मैं आपको सब कुछ डिटेल से मेंशन करने वाली हूँ। सबसे पहले ना मुझे ये वाला बैग दिख रहा है एंड ये मैंने लिया था लास्ट टाइम। ये एक व्हाइट शिफॉन जॉर्जेट मिक्स वाला फैब्रिक बैग बोल सकते हो एंड इसका प्राइस था 200 baht। एंड इट्स अ वेरी क्यूट एस्थेटिक बैग, इसमें बहुत सारा कलर था। ऐसा बैग ना वहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेगा, ऐसे स्मॉल साइज में, बिग साइज में। नेक्स्ट है मेरे पास ये बहुत ही सुंदर सा बीच वेकेशन वाइब देने वाला ये बैग। ये ऐसे खुलता है यहाँ से एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा बड़ा सा स्लिंग। किसी भी ड्रेस के साथ या फिर शॉर्ट्स पहन रहे हो आप, कोट्स पहन रहे हो बीच वेकेशन डेज पे, आप इसे ले सकते हो। बहुत ही प्यारा है एंड इट लुक्स रियली पिंटरेस्टी एंड एस्थेटिक। नेक्स्ट बैग है मेरे पास ये वाला, बहुत ही अगेन प्यारा सा एंड बस इतना ही खुलता है। वेल स्पेस तो काफी ज्यादा है बट आई एम नॉट श्योर कि ये मतलब लेने पे कितना कन्वीनियंट होगा, लाइक कैरी करने पे कितना कन्वीनियंट होगा। इसका बकल दिया हुआ है तो आप इसे इसका लेंथ जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकते हो। अगेन एस्थेटिक पिंटरेस्टी गर्ल वाला वाइब दे रहा है कि किसी भी यू नो वेकेशन पे आप ले सकते हो इसको। नाउ ये है बैम्बू का बना हुआ, इसका मटेरियल इससे थोड़ा अलग है। नेक्स्ट द लास्ट एस्थेटिक बैग, आप बोलो कि यार ऐसा बैग आपने इतना क्यों लिया, बट यार मुझे ये भी इतना ज्यादा पसंद आ रहा था ना। इसका जो मटेरियल है ना सेम इसका सेम मटेरियल है, इसका भी प्राइस था 300 baht एंड दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक। वेरी एस्थेटिक अगेन, परफेक्ट फॉर एनी इंडो वेस्टर्न लुक, इन या फिर आप चाहो तो कुर्ती एंड साड़ी के साथ इसे ले सकते हो। ऐसा बैग लाइक इंस्टाग्राम पे स्टोर पे ना 1000 1.5 हजार 2 हजार का बिकता है। नेक्स्ट द लास्ट बैग, मैंने बहुत सारा बैग लिया है स्ट्रीट शॉप से ही ओनली। बहुत ही क्यूट सा अगेन एक पर्पल कलर का बैग। नाउ ये जो है आप देख रहे हो इट्स मैक्रेमे का बैग। ओके ये वाला पाउच भी मिलेगा जो इसके साथ ही आया था। बहुत सारा प्यारा प्यारा कलर था बट मैंने ये पर्पल कलर लिया बिकॉज बहुत कुछ एकदम बेज एंड व्हाइट में काफी सारा हो गया था मेरा। इसका प्राइस था 100 baht ओनली। ओके नेक्स्ट मेरे पास है कुछ क्लोथिंग आइटम्स, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉप राइट हियर एंड यू कैन से इट्स अ कैमिसोल टॉप। ऐसा टॉप ना आपको अर्बैनिक पे या फिर न्यू में भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये टेक्सचर्ड वाला टॉप आप देख सकते हो, सामने टेक्सचर वाला डिजाइन किया हुआ है पूरा इसका। तो हमारा होटल जो था वो था इंदिरा मार्केट के बिल्कुल ऊपर, इंदिरा मार्केट से मैंने ये लिया है। तो इसका प्राइस था 120 baht एंड वहाँ पे ना आपको कहीं पे भी बार्गेन करने का मौका उतना नहीं मिलेगा। कुछ कुछ दुकान पे ऑफर चलता है कि अगर आप 2 लेते हो या फिर 3 लेते हो फिर 5 लेते हो तो वो आप 50 baht या 100 baht कम कर देते हैं। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, इसका फिट इतना अमेजिंग है। स्ट्रैप्स पे पीछे आपको मिल जाएगा ये बकल, वहाँ के हर एक टॉप पे आपको एक हर एक जो बॉडी हगिंग वाला टॉप होता है ना उस पे आपको मिल जाएगा पैड्स, गुड क्वालिटी का पैक एंड बीच में यहाँ पे कट भी है तो आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो ऐसे। नेक्स्ट जो है मेरे पास ये बहुत ही प्यारा सा क्रोशे वाला टॉप लाइक दिस। आई डोंट नो वैसे कहाँ ही पहनूंगी लेकिन मुझे इतना देख के इतना प्यारा लगा ये कलर, एक ग्रीन कलर, तो मुझे मतलब लेना ही पड़ा। इसमें भी आपको पैडिंग मिल जाएगा सो बीच के लिए तो परफेक्ट है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम जा रही हूँ कहीं पे, लाइक इस बार मैं बैंकॉक गई थी लेकिन वहाँ पे कोई बीच पे मैं गई नहीं थी तो मुझे लिटरली चांस नहीं मिला इसको पहनने का। बट ऐसा ही सेम टॉप मुझे बैंकॉक में भी दिखा, इसका प्राइस अराउंड 100 baht होगा, मुझे अभी याद नहीं है। आई हैव अनदर टॉप एंड दिस इज स्लीवलेस क्रॉप कॉलर वाला टॉप, ये भी टेक्सचर्ड में है एंड बैंकॉक का ना मैक्सिमम कपड़ा में ना आपको टेक्सचर्ड फैब्रिक देखने को मिलेगा जो मुझे लगता है वो आपका खासियत है। फिटिंग तो बहुत ही अच्छा है एंड द प्राइस वाज 150 baht एंड इसमें कोई भी साइज नहीं था, ये फ्री साइज में था। नेक्स्ट मेरे पास ये टैंक टॉप, देखो मुझे ना एक व्हाइट कुछ चाहिए था तो बहुत ही हड़बड़ी में मैंने ये टॉप खरीद लिया था। इसका प्राइस था आई गेस 120 baht अगेन एंड इस पे भी आपको मिल जाएगा पैड्स अंदर पे जो कि बहुत ही गुड क्वालिटी का है। अगर आप ये पहनते हो ना आपको अलग से ब्रा पहनने की जरूरत नहीं है। 120 baht में ये लोग ऐसी क्वालिटी कैसे बेच रहे यार। आई लव द फिटिंग, लव द क्वालिटी, इसमें कोई साइज वगैरह नहीं था। लास्ट टॉप जो है वो मैं अभी पहनी हुई हूँ, इट्स अ ब्यूटिफुल
फुल स्लीव टेक्सचर्ड फैब्रिक वाला टॉप. इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसमें भी आपको ना सामने पैच मिलेगा एंड सिंच किया हुआ है विथ अ लिटिल लाइक टाई लाइक फॉल्स टाई वाला लुक है सामने. इट्स अ क्रॉप टॉप. इसका फिटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा. इसका स्लीव्स थोड़ा सा लूज है बट दैट्स टोटली मैनेजेबल एंड थोड़ा शॉर्ट भी लगा मुझे. ये भी फ्री साइज में था, इसमें कोई भी साइज नहीं था एंड इसका प्राइस था 150 baht. इमेजिन इतना सुंदर टॉप 150 baht पे आपको मिल रहा है. मुझे एक ड्रेस चाहिए था मेरे लास्ट जेक डे के लिए लाइक हस्की कैफे के लिए, तो मुझे ये वाला ड्रेस जो है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था एंड गेस द प्राइस यू गाइस, बस 120. आई मीन मैं इतना शॉक हो गई थी प्राइस सुन के. आपको मिल जाएगा शोल्डर पे इलास्टिक, पीछे इसको आपको मिल जाएगा ये टाई करने का बेल्ट बोल सकते हो आप. तो फिटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, ये थोड़ा शॉर्ट है. आई लव दिस ड्रेस. नेक्स्ट है मेरे पास एक क्वाड सेट. इट्स अ फुल स्लीव शर्ट, एकदम बैगी लाइक ओवर साइज वाला शर्ट ये एंड इसमें भी आपको ना ये टेक्सचर्ड वाला फैब्रिक देखने को मिलेगा एंड इसके साथ नीचे का पैंट फुल पैंट नहीं है, इट्स अ शॉर्ट एंड इस पैंट पे भी आपको मिल जाएगा दोनों साइड पे पॉकेट विद इलास्टिक. सो ये भी फ्री साइज में मिलेगा. क्वालिटी अगेन बहुत अच्छा है. प्राइस वॉज 450 baht एंड उसके बाद मेरे पास एक शॉर्ट्स है. अगेन वो कलर ऑलमोस्ट नियर ही है पर इसका फैब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है. खादी कॉटन वाला फैब्रिक है. इसका लेंथ भी परफेक्ट है, मैं इसे यहाँ पे भी पहन सकती हूँ. इसका फिटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छा है. इसका प्राइस था आई गेस 350 baht. सामने जिप है एंड पीछे आपको मिल जाएगा इलास्टिक एंड द मटेरियल इज so comfortable and so summer appropriate. I'm definitely wearing this is Kolkata ke summer pe. Guys main kya batau, wahan pe itna acha trousers mil raha tha na, matlab mujhe man karta main sab leke aau. Zara ka jo quality hota hai na, सेम वही क्वालिटी का आपको ट्राउजर्स वहाँ पर मिल जाएगा इतनी कम प्राइस में. लेट मी शो यू द फर्स्ट लाइक शॉर्ट. कलर तो बहुत सारा था, प्यारा प्यारा, इतना सुंदर है ये. ये एक्चुअली मैंने दिया था दुकान से. स्टॉल्स होता है और एक दुकान होता है, दुकान से मैंने लिया था बिकॉज अब स्टॉल जो है वो उठ गया था एंड मुझे लेना ही था, कुछ पसंद आ गया था ये वाला का भी. स्टॉल से लेते हो ना तो आपको आराम से 100 से लेके 150 baht तक आपको ऐसा वाला या फिर फुल ट्राउजर्स मिल जाएगा. मेरा साइज है एल ना, मुझे जनरली फिट होता है मीडियम बट हाफ में जो मैंने देखा जो भी पैंट्स है ना वगैरह उसमें मुझे एक साइज बड़ा फिट हो रहा था. लव दिस वन. आई जस्ट विश कि मैं इसका और भी 2-3-4 लेके आती लेकिन बैग में लास्ट में जगह नहीं बचा था यार. नेक्स्ट अप आई हैव दिस लॉन्ग ट्राउजर्स. इट्स अ बूट कट ट्राउजर लाइक ऊपर से टाइट है एंड नीचे तरफ फ्लैट वाला लुक है एंड ऊपर की तरफ कुछ ऐसा वाला लुक आपको मिलेगा. ठीक है, द क्वालिटी इज टॉप नॉट. इट वॉज फॉर 280 baht. इतना सुंदर इसका क्वालिटी है, इतना सुंदर ही पहनने के बाद लगता है. द फिटिंग इज सो डैम गुड. इसमें भी मेरा साइज लार्ज है. द लेंथ इज सो परफेक्ट. मैं आई थिंक मैं बहुत जल्दी फिर से बैंकॉक जाने वाली हूँ, बैग भर के मैं ट्राउजर्स लेके आऊंगी. मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा ट्राउजर्स. लास्ट मेरे पास और एक पैंट है, जॉगर्स कम कार्गो पैंट बोल सकते हो आप. अगेन पिंक कलर पे है आई नो बट इसमें मुझे और भी कलर पसंद नहीं आ रहा था. इसमें ग्रीन था और एक ग्रे था. ये पॉकेट्स सब फंक्शनल पॉकेट्स है. फ्री साइज का है बिकॉज इसमें इलास्टिक आपको मिल जाएगा एंड इसका क्वालिटी अगेन बहुत ज्यादा अच्छा है. ये पॉलीएस्टर का है एंड इस पैंट का प्राइस था 180 baht. नाउ मैंने ना बैंकॉक से 3 bras लिया है. एक तो मैंने लिया है विक्टोरिया सीक्रेट से. ये मेरा पहला विक्टोरिया सीक्रेट का ब्रा है बाय द वे. वहाँ पे ना कोई ऑफर चल नहीं रहा था एक्सेप्ट जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उस पर बाय 2 and get 1 का ऑफर चल रहा था. सिंगल ब्रा वहाँ पे पड़ा 790 baht का एंड मेरे पास इतना चिटैक रेड कलर का कोई भी ब्रा नहीं है तो आई थॉट ऐसा वाला ब्रा काफी अच्छा लगेगा. इट इज सो गुड इन क्वालिटी एंड द फिट इज सो परफेक्ट. प्राइस ही है बट टोटली वर्थ इट. एंड मैंने और 3 ब्रा लिया है यहाँ पे जो कि मैंने लिया है इंदिरा मार्केट से, अगेन स्ट्रीट शॉप से यानी कि. एंड लेट मी टेल यू, मैंने आज तक जितना भी स्ट्रीट शॉप में ब्राज देखा है ना इससे बढ़िया मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा. लुक एट दिस. इसका प्राइस आप सोचोगे ना, इसका प्राइस आई गेस 120 baht ओनली एंड जस्ट लुक एट इट. इट्स अ मार्शमेलो पैडेड ब्रा, पैडेड कम पुशअप ब्रा. इट्स अ नॉन वायर्ड ब्रा तो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है. सीमलेस फिनिश आपको मिलता है एंड मुझे वहाँ के स्ट्रीट शॉप में भी खुद का साइज मिल गया, मतलब इससे बढ़िया क्या ही हुआ. नेक्स्ट अप आई हैव दिस डिज़ाइन जो कि अगेन नॉन वायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. कुछ ऐसा वाला डिज़ाइन है, लुक्स वेरी सीमलेस. नाउ फ्रॉम बैक इट समथिंग लुक्स लाइक दिस डीप बैक वाला जो ब्लाउज होता है ना उसके साथ तो ऐसा वाला ब्राउज मतलब मस्ट हैव है. लेकिन इसका प्राइस था 120 baht. नेक्स्ट मैंने लिया है एक डेली वेयर टाइप लाइक एक टी शर्ट ब्रा टाइप बोल सकते हो आप,
समथिंग लाइक दिस एंड ये आई नो ये तो यहाँ पे ही मिलता है बट इसका जो पैड क्वालिटी है ना इट्स लाइक टॉप नॉट. अच्छा लव द फैब्रिक. इसका भी प्राइस था 120 बट मैं इतना बिजी थी ना आउटलेट मॉल्स पे एंड कपड़ा खरीदने में मुझे एक्सेसरीज में बस ये दो ही चीज लिया मैंने अपने लिए. फर्स्ट तो है ये बो क्लिप का सेट. फिलहाल मेरे पास ये तीन है एंड बाकी तो मैंने बिट्टी को दे दिया बिकॉज शी लव्ड इट. अभी जो है ना बो का ट्रेंड है आपको पता ही होगा एंड इतना सुंदर लगता है यहाँ पे. पांच का सेट 100 बाट में मतलब आपको हर एक का 20 बाट यानी कि 50 रुपीज INR पे एंड आई थिंक टोटली वर्थ इट. होटल के गेट से निकलते ही लेफ्ट पे एक स्टोर था लाइक स्टोर नहीं स्टॉल था जहाँ पे बस 50 बाट करके ईच एंड एवरी सनग्लासेस बिक रहा था एंड लुक एट द शेड्स यू गाइस. मेरे फ्रेंड्स ने बोला ये तो वहाँ पे ही मिलता है ना स्ट्रीट शॉप पे बट जब मैंने इसको टच किया ना इतना अच्छा इसका क्वालिटी लगा मुझे. बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है बहुत ही अच्छा स्टडी क्वालिटी का है एंड आई लव द लुक. मैं लास्ट मोमेंट इसको लेके आई आई एम सो हैप्पी कि मुझे बस 50 बाट पर मिल गया यानी कि 120 रुपये मिल गया है. यहाँ पे ही मिलता है लेकिन इतना अच्छा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा. लास्ट में दिखाती हूँ आपको जो मैंने लिया है आउटलेट मॉल्स से. सो लेट मी शो यू दिस बैग राइट हियर. आई मीन गाइज दिस इज माई फर्स्ट एवर कोच बैग एंड मैं अनुष्का सोच के गई थी कि अगर जाना है वहाँ पे तो कोच का बैग लेना ही है एंड दिस इज माई बर्थडे गिफ्ट टू माई सेल्फ. फाइनली आई बॉट इट. लोग कोच के जो स्टोर था ना वहाँ पे आई थिंक 20 से लेके 35 तक का डिस्काउंट चल रहा था एंड इसे मुझे 25 का डिस्काउंट मिल गया. कोच का जनरली क्या होता है ना आप ब्राउन कलर जो है क्लासिक कोच डिज़ाइन आप वैसा वाला काफ़ी देखने को मिलता है वहाँ पर बहुत सारा था वैसा डिज़ाइन लेकिन ऐसे ब्लैक एंड वाइट पे दे सेट की ये लिमिटेड एडिशन है. ये बस इसमें 2-3-4 ही आइटम्स अभी पड़ा हुआ है स्टॉक पे बाकी सब आउट ऑफ स्टॉक है एंड आई बॉट इंस्टेंटली एंड स्पेस भी बहुत सारा है एंड द बेस्ट पार्ट आपको इसके साथ ना एक लॉन्ग स्लिंग भी मिलेगा तो यू कैन मेक इट अ क्रॉस बॉडी बैग और अ स्लिंग बैग एज वेल. इसका प्राइस था 11,480 बाट. नाउ सेंट्रल विलेज आउटलेट मॉल जो था वहाँ से मैंने दो बैग्स लिया है. फर्स्ट वन इज दिस MK का बैग क्योंकि MK पे भी वापस सेल चल रहा था. आई गेस इस बैग पे 40% या 30% डिस्काउंट था एंड दिस इज द शोल्डर बैग राइट हियर. बहुत ही क्लासी वाला लुक है इसमें एंड ये बैग लेट मी टेल यू ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है. इसमें चेन मिल जाएगा आपको अंदर के साइड पे एंड ऑल्सो कैन पुट योर कार्ड्स राइट हियर. इट वॉज फॉर 3,940 बाट. ये डिटैचेबल स्ट्रैप्स है. इसके बाद मुझे और एक स्ट्रैप भी मिला है पैसे भी ले सकती हूँ ऐसे तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. पीछे इस बैग का ये बड़ा सा कंपार्टमेंट है टू फिट योर फोन आई गेस. नेक्स्ट आप आई हैव अनदर बैग लेकिन मैंने ये खुद नहीं खरीदा है अनुष्का ने मुझे दिया है एंड ये है ऑल्डो का बैग. ना ऑल्डो का वहाँ पे इतना बढ़िया सेल था लाइक अप टू 80% मुझे पड़ा अराउंड 790 बाट. दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक फ्रंट साइड से एंड बैक साइड से विद दिस गोल्डन स्ट्रैप लाइक चेन स्ट्रैप एंड इसके साथ मुझे एक लॉन्ग स्लिंग बेल्ट भी मिला है. नेक्स्ट आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज एंड सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगी जो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है वहीं पे एंड ये है CM आउटलेट मॉल से. ये नाइकी का कॉन्वर्स है. नाउ नाइकी के स्टोर पे ऑफर चल रहा था बाय टू एंड गेट 30% ऑफ एंड बाय थ्री एंड गेट 40% ऑफ. तो ये एक्चुअली शॉविक ने मुझे दिलाया मेरे बर्थडे गिफ्ट है. ये व्हाइट कलर का बॉर्डर है एंड बेज कलर का जो आप देख रहे हो अंदर का पार्ट है बहुत ही सुंदर लग रहा था ये एंड थोड़ा सा हैवी है सो आई कैन नॉट होल्ड इट लाइक दिस. द लास्ट पेयर आई डिडंट थिंक कि मैं इसे खरीद लूँगी. तुम ने मुझे बुलाया स्टोर पे स्केचेस के स्टोर पे एंड मैं देखना शुरू किया एंड वहाँ पे चल रहा था सेल. अगर आप सेम प्राइस का दो प्रोडक्ट लेते हो तो आपको मिलता है फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट. तो गेस व्हाट मुझे एक पसंद आया वो था ये वाला स्नीकर्स. प्राइस था 3,990 बाट. सो वी डिसाइडेड टू टेक टू एंड पे हाफ. पूरा ब्लैक एंड वाइट पे है एंड मुझे ऐसा स्नीकर्स यू गाइस नो आजकल काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है. आई लव हाउ इट लुक्स एंड मोर ओवर इसका जो फील है ना पहनने के बाद लाइक स्केचेस शूज आर सो डैम कम्फर्टेबल. से हल्का मैंने आज तक कोई भी जूता ट्राई नहीं किया है. एंड लास्ट टाइम मेरे पास कुछ मेकअप आइटम जो मैंने वहाँ के 7-Eleven स्टोर से मैंने लिया था. मुझे जब लास्ट टाइम मैं गई थी आई वॉन्टेड टू परचेज लाइक फुल फेस ऑफ मेकअप आइटम्स बट तब हुआ नहीं. तब पैसा आउट ऑफ कैश चल रही थी मैं. बट दिस टाइम मुझे लगा यार इतना पैसा बच रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ. सो आई बॉट ऑलमोस्ट जो भी दिख रहा था मुझे स्टोर पर उसका हर एक का मैंने एक एक करके उठा लिया है
लाइक लिप ऑयल्स है, लिप ग्लॉस है, आई शेडो पैलेट है, आईब्रो प्रोडक्ट है, देन मस्कारा है ऐसे शाशे में, एंड बीबी क्रीम है, एंड या बहुत कुछ है मुझे दिखाने को, लेकिन मैं इस हॉल पे दिखाने नहीं वाली हूँ, इसका मेरा डिफरेंट लाइक सेपरेट वीडियो आएगा, स्टे ट्यून फॉर दैट। सो नाउ जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो, यानी कि आइटिनरी कितना कहाँ पे खर्चा आपका हो सकता है अगर आप बैंकॉक जाने का प्लान करते हो, तो फ्लाइट का राउंड ट्रिप जो हो रहा था हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रायर बुक किए थे फ्लाइट, तो इट कॉस्टेड अस 12K ईच राउंड ट्रिप, यानी कि जाने का एंड वापस आने का, एंड ये आपको आराम से लाइक 12 से 16 तक के बीच में आपको फ्लाइट फेयर मिल जाएगा। रूम का प्राइस था, हम लोग एक 3-स्टार होटल पे रुके थे, लेकिन जो कि बहुत ही बड़ा था, एंड बेयॉक सूट करके नाम था, बहुत बड़ा था, क्योंकि एक रूम पे एक बेडरूम भी था जो कि ह्यूज बेडरूम था, और एक हॉल रूम था जहाँ पे सिटिंग एरिया वगैरह है, एंड वॉशरूम था एक, एंड बालकनी था, एंड इट वॉज अ डिसेंट रूम। ओके, इतना बड़ा रूम आजकल देखने को नहीं मिलता है। 5K ईच पड़ा है हम लोगों के 2 nights and 3 days का, 2.5K पर नाइट पर हेड हो रहा है, 300 से लेके 500 baht तक के बीच में आपका फूड आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो होटल था वहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, हम बस लंच डिनर एंड बाकी बीच का स्नैक्स वी हैड, एंड उसमें 300 से लेके 500 baht तक का खर्चा, यानी कि 700 से लेके 1250 rupees तक का खर्चा आपको पर डे पर हेड का हो सकता है। नाउ ट्रैवल की बात करें तो टुक टुक वहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे जो रिक्शाज वगैरह होता है ना, वहीं पे मोटर वाला रिक्शाज है जो आपको टैक्सी के स्पीड से लेके जाएगा, एंड वहाँ पे आपको बार्गेन थोड़ा करना होगा, बट टुक टुक से भी सस्ता एक ऑप्शन है जो है कैब, वहाँ पे कैब बहुत ज़्यादा सस्ता है। सो अगर मैं कैब से बात करूँ एंड टुक टुक से लेके बात करूँ, तो पर डे आपको 500 से लेके 1000 baht तक का खर्चा, यानी कि 1250 से लेके 2500 खर्चा आपको पर हेड रुपीज में हो सकता है पर डे। वहाँ पे हम लोगों ने बस ट्राई नहीं किया था, बट आई थिंक बस उससे भी सस्ता होगा, एंड क्योंकि हम लोग को रूट उतना पता नहीं था एंड टाइम बहुत कम था, तो हम लोग उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए। टोटल हम लोग का आ रहा था 25K एकदम अपमोस्ट जाके भी, एंड शॉपिंग हमने अलग रखा। 25K था हमारा 2 nights 3 days का ट्रिप प्लान, 30K पकड़ लो, 30 या 35K के अंदर आपका 4 nights 5 days का प्लान भी बन सकता है। इस चैनल पे मिनी व्लॉग्स आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन पे पूरा डिटेल्स लाइक फ्लाइट से सब कुछ तक का डिटेल्स मैं डाल दूंगी, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट, एंड अगर आप प्लान कर रही हो बैंकॉक का ट्रिप, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।